बड़ी खबर पंचायत उपचुनाव से जुड़े हुए। पंचायत उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई। यूपी पंचायत उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। तो 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई है। 9 मई को उपचुनावों के लिए मतदान हुआ था। 99 उम्मीदवारों के निधन के बाद दोबारा मतदान हुआ था और आज पंचायत उपचुनाव के परिणाम भी जारी हो जाएंगे। 99 उम्मीदवारों की ही किस्मत का फैसला होना है और उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 8 बजे से जो काउंटिंग है शुरू हो गई है। आपको बता दें, प्रदेश में चुनावों के दौरान 99 उम्मीदवारों का निधन हो गया था और ये सभी ग्राम पंचायत प्रधान पद के उम्मीदवार थे। आपको बता दें कि ये उपचुनाव उन्हीं सीटों पर हो रहे हैं जिन सीटों पर उपचुनाव के दौरान प्रत्याशियों की मृत्यु हो गई थी। प्रदेश में आज कुशीनगर में 11, बाराबंकी में 7, भदोही में 3, कौशाम्बी में 4, बहराइच में 7, उन्नाव में 8, बलिया में 6, सोनभद्र में 5, मिर्जापुर की बात करें तो यहां 4, बांदा में 3 उम्मीदवारों की मौत हो गई थी और उसके बाद यहां पर आज उपचुनाव के परिणाम घोषित होंगे। काउंटिंग चल रही है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाताओं के पास। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। तो कौशाम्बी से अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। मैं सबसे पहले अविनाश आपके पास आना चाहता हूँ। कौशाम्बी में भी जो उपचुनाव है वो हुए हैं, तो काउंटिंग क्या शुरू हो पाई है वहां पर या नहीं? देखिए राजीव, अगर बात करें तो काउंटिंग कुछ ही देर पे यहाँ पे शुरू होने वाले। तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो मतगणना स्थल पर पहुंच गए हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो 4 ब्लॉक में 5 ग्राम पंचायत है जहाँ पे 60 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होना है। 5 ग्राम पंचायतों में जो प्रत्याशी हैं उनकी मृत्यु के बाद ये जो चुनाव है उसको फिर से कराया गया था। इनमें अगर बात करें तो सिराथू ब्लॉक के नारायणपुर गोरियो और शमशाबाद ग्राम पंचायत है। इसके अलावा कड़ा ब्लॉक के फुलगुला ग्राम पंचायत है और मंझनपुर ब्लॉक के बहादुरपुर ग्राम पंचायत है। और चैल जो विधानसभा है, चैल जो ब्लॉक है उसका जलालपुर शाला ग्राम पंचायत है जहाँ पे उपचुनाव हुए हैं और उनके जो प्रत्याशी हैं जो पहले चुनाव लड़ रहे थे उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद ये उपचुनाव हुए हैं। और उपचुनाव के बाद अगर बात करें तो 60 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत अजमाई है जिनके भाग्य का फैसला आज होना है। 5 ग्राम पंचायत के नतीजे आ जाने हैं कौशाम्बी से और उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 12 से 1 बजे के बीच तक ये निर्णय आ जाएंगे कि इन 5 ग्राम पंचायतों में 60 उम्मीदवारों में से कौन पांचवा व्यक्ति है जो चुना जाता है जिसकी भाग्य का फैसला होगा। जी अविनाश, आप हमारे साथ बने रहे। अब चलते हैं शैलेश के पास। शैलेश, लखनऊ की बात करें तो क्या वहां पर भी उपचुनाव हुए हैं? दूसरा, क्या उम्मीद की जाए कि जो 99 जो सीट्स हैं यहाँ पर कब तक परिणाम घोषित हो सकते हैं? राजीव, देखिए लखनऊ की कोई भी ऐसी सीट नहीं जिस पर अभी उपचुनाव कराए गए हो फिलहाल। और जो हम एक संशोधन भी इस पे बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, अपडेट एक कि जो सीटें हैं उनकी संख्या 114 हो गई है। देखिए 114 सीटों पर परिणाम घोषित होने, ग्राम पंचायत के प्रधान पद की ये सीटें हैं और इनका निधन जो है चुनाव के दौरान उम्मीदवारों का हो गया था। कई ऐसे इसमें उम्मीदवार थे जो चुनाव के दौरान उनका निधन तो हो गया लेकिन जब परिणाम आए तो वो जीते हुए भी थे उसमें, तो ऐसे भी इसमें है। तो कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें जो सीटें हैं जिनके ऊपर आज परिणाम आने हैं तो वो कुशीनगर की हैं 11 सीटें। इसके अलावा जहाँ तक बात करें अगर हम परिणाम आने की तो देखिए क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं और जो वोट है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे में जो परिणाम होंगे बहुत जल्द आ जाएंगे सबके सामने, नतीजे सबके सामने होंगे। और इसको लेकर देखिए कोविड का क्योंकि काल है और लगातार कोविड के केसेस जो है उन पर भी नियंत्रण है, इसको देखते हुए जो काउंटिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर भी जो पर्यवेक्षक जो बाकी वहाँ पर स्टाफ लगाया गया है, जो कर्मचारी लगाए गए हैं उनकी भी बताया जा रहा टेस्टिंग की गई, हालांकि वहाँ पर जल्द से जल्द काउंटिंग पूरी हो सके इसके लिए सारी तैयारी की गई है। जी शैलेश, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर से अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, हमने देखा कि जब काउंटिंग हुई थी तो तब पैर रखने तक की जगह नहीं थी, जो समर्थक थे वो पहुंचे हुए थे, लेकिन क्या आज भी ऐसी तस्वीर तो नहीं है? क्या समर्थक वहां पर डटे हुए तो नहीं है? तो जब 2 मई को काउंटिंग हुई थी तो उस वक्त काफी ज्यादा जो ग्राम पंचायत है वहां के उम्मीदवार थे और काफी ज्यादा उनके साथ समर्थकों की भीड़ उमड़ी थी, लेकिन चूंकि अगर आज की बात करें तो आज ये जिस तरीके से प्रत्याशियों के निधन के बाद चुनाव हुए उनमें केवल जो है 5 ग्राम पंचायत है और 60 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत अजमाई है, तो उस तरीके की भीड़ नहीं देखने को मिली। क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो प्रशासन भी मुस्तैद थे लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं विफल दिख रहा था क्योंकि लगातार जो प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थकों की भीड़ थी वो आ रही थी, हालांकि जो प्रत्याशी थे उनके समर्थक न पहुंचने पाए इसके लिए पुलिस
तमाम बंदोबस्त कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद पहुंच जा रहे थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज काफ़ी ज़्यादा जो है भीड़ नहीं हो सकती है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं उनकी संख्या कम है। इसके साथ साथ जो प्रशासन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद है, कोविड नियमों को प्रोटोकॉल का पालन करवा रहा है। और अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो जब ये चुनाव हुए तो पूरे जनपद में 69% मतदान हुआ था, और उसके बाद आज अब मतगणना होने जा रही है। तमाम सारे जो पोलिंग अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं, और प्रत्याशियों का भी कोविड रिपोर्ट मंगाई गई है। केवल प्रत्याशी और जो पोलिंग एजेंट है इनके अलावा और किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस प्रशासन इस मामले में पूरी तरीके से मुस्तैद है। जहाँ पर भी मतगणना हो रही है उसके अगर बात करें तो 500 मीटर दूर से ही बैरिकेड करके सिर्फ प्रत्याशी और इसके अलावा जो पोलिंग एजेंट है इनके अलावा किसी अन्य को जाने के लिए इजाज़त नहीं है, क्योंकि 60 प्रत्याशी और 60 प्रत्याशी 5 ब्लॉक में है और 5 ब्लॉक में मतगणना होनी है। इसलिए लिहाजा किसी तरीके से भीड़ नहीं उमड़ेगी वहां पे। ठीक है, आप बता रहे हैं कि कुल मिलाकर आज व्यवस्थित दिख रहे हैं, सिस्टम व्यवस्थित है। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका और शैलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा अपडेट इसके साथ आपको देते हैं कि पहले जानकारी थी कि 99 लेकिन 114 हो गई है संख्या। 114 के प्रधान पदों पर आज काउंटिंग चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि 12 से 1 बजे तक जो काउंटिंग है वो संपन्न भी हो जाएगी और नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।